नहीं बैठे, आप लाइन जज की जिम्मेदारी ले बैठे हैं, आपका इस्तकबाल है मेरे दोस्त। धन्यवाद। चलते हैं मैच की ओर। 21 सीट का ये मुकाबला, एक सीट का आपके बीच में, बैरेडे वर्सेस पटना के बीच सीधा मुकाबला। सर्विस हो रही है, एडवांटेज पटना के लिए, और इस खिलाड़ी के क्या कहने हैं मैं आपको, गड़बड़ यही है, साउंड भी आप जो बहुत ज्यादा ले रहे हैं समय। सर्विस पटना की ओर से 5 नंबर के खिलाड़ी विकास राय सर्विस करते हुए। सर्विस अच्छी, उतना ही बढ़िया पास, और अगर बैरेडी को चलना है तो 5 को चलना होगा, पटना को चलना है तो 7 नंबर के खिलाड़ी को चलना होगा, माज में और पटना के 7 नंबर में, दोनों लेफ्ट हैंडर है, कौन किस पर भारी कहना मुश्किल। अंकों के इस खेल में सर्विस हो रही है इस समय बैरेडी की ओर से, और बहुत बड़ी गलती कर दी पटना के खिलाड़ी ने, खाता खुला 1-0 का स्कोर। दो जीरो मार्क को थोड़ा साफ कर दे, धन्यवाद। 2-0 का स्कोर, सर्विस बैरेडी की ओर से, मौका पटना के लिए, टच आउट का प्रयास और शायद यहां पर बॉल आउट। 3-0 का स्कोर। एक सीट का जो मुकाबला, महामुकाबला। सुशील तिवारी जी, जो पटना की टीम है, पिछली बार रनर टीम रही है चिड़ियाकोट चैंपियन ट्रॉफी में, इतिहास जिक्र करते रहे। बढ़िया जज यहां पे, खिलाड़ी भी जानते थे, मगर ऐसे मैचेस में ऐसा होता है, मैं आपको बताऊं, मुझे तो बहुत ऐसी सारी चीजें मालूम है। सर्विस पटना की ओर से बहुत ही तेज सर्विस कर रही इस बाइकट ने, और ये आउट मार गए, क्योंकि माज इन तर्कस के दर्शकों, इस खिलाड़ी पे ताली बनती है, मैं आपको बताना चाहूंगा, सीनियर नेशनल पार्टिसिपेट खिलाड़ी, एक और माज, एक और विकास। यहां पे विकास के पराक्रम को रोकना होगा, चीन की दीवार बन गए। मैं आपको बताऊं, अगर पटना एक्सप्रेस चल गई तो बैरेडी को पैसेंजर ट्रेन बना देगी, और बैरेडी को पटना की सैंपलिंग करनी पड़ेगी, और बैरेडी करेगी, मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि जब से मैंने टूर्नामेंट कवर किया है 10 बार ये टीम में आमने सामने हो चुकी है। इस साल ये नेट फॉल्ट हुआ, दोनों एक दूसरे की कमियों को जानते हैं, दोनों एक दूसरे की कमियों के साथ साथ कौन किसका मजबूत पक्ष है उसके बारे में जानते हैं। गेंद बैक जोन पे बन नहीं रही है, लेफ्टर के द्वारा काउंटर जोन को गेंद करके, और यहां पे बहुत अंदर चले गए, बहुत ही अंदर चले गए। लाइन जज के नियम तो होते नहीं है वाली बॉल में, यहां पे जो निर्णय है, 3-3 का स्कोर, 3-1 का स्कोर, 3 की सेवा 3 के लिए, 3 की सेवा 3 के लिए। सर्विस विकास की ओर से, और इस बार नेट फॉल्ट हुआ इस खिलाड़ी के द्वारा, मौका बना है इस समय बैरेडी के लिए, 3 की सेवा 3 के लिए, 3-3 का स्कोर। सर्विस स्पाइकर के द्वारा, मौका पटना के लिए, टच आउट का प्रयास, इस खिलाड़ी के क्या कहने, आपने देखा डीएलडब्ल्यू के खिलाफ जो दर्शक यहां पे बैठे हैं या खेल प्रेमी है, उत्तर प्रदेश की सबसे सम्मानित टीम है, मैं आपको बताऊं, वीरपुर में ऑल इंडिया हुआ था, ओएनजीसी देहरादून के खिलाफ फाइनल खेल चुकी है डीएलडब्ल्यू। मैं दर्शकों से बताना चाहूंगा, एशिया में 46 देश है, उसमें ओएनजीसी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को अवार्ड मिल चुका है, और डीएलडब्ल्यू आज यहां पे हार गई। जो मुकाबला आपने देखा उसके बाद इससे फाइनल के चक्र का मुकाबला, सम्मानित टीमों के बीच मुकाबला, 3-3 का स्कोर। बार बार चेंज होता हुआ सर्विस, इस समय अच्छी सर्विस, मौका पटना के स्पाइकर के लिए,
और ये देखिए सफलता के भी साथ पे ये कैसा दोहरा है, मैं आपको बताना चाहूंगा। अपने बल पे ये खिलाड़ी बिहार सीनियर नेशनल पार्टिसिपेट कर चुका है 2019, अपने बल पे इसने पार्टिसिपेट किया। युवाओं के लिए अगर चिड़िया कोट में ये मैच हो रहा है तो मैच के आयोजन का सबसे बड़ा पॉइंट यही होता है कि जो आयोजन करता है यहां से बच्चों की नई पौध निकले, बच्चे वॉलीबॉल को खेले, इसका यही फायदा होता है। हॉस्टल कॉलेज में जाके बच्चे जाए वह यूपी व देश को रिप्रेजेंट करे, वॉलीबॉल का यही फायदा होता है। मैं टूर्नामेंट के आयोजक मंडल को भी बताना चाहता हूं, खिलाड़ी दूर दूर से आते हैं, आप उनको देखते हैं, मौका पटना के लिए और इनको कर दी, काफी छोटी गेम थी, मौका ताड़ा, फिर एक बार गलती कर दी विकास ने, 3-3 का स्कोर होता हुआ अब अंक बन गया 4-3 के लिए, 4-3 का स्कोर। सर्विस एक बार फिर जाना पहचाना नाम छोटे गत का खिलाड़ी जिसान रेफरी के पीछे, मौका बना है पटना के लिए, इनके क्या कहने, सफलता के हिसाब से खड़ा ये खिलाड़ी, मैं आपको बताऊं उत्तर प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी शॉर्ट बॉल का, मैं दर्शकों से बताना चाहूंगा, यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे जाकर इनको सीख सकते हैं, अमृत राय इनका नाम है और ये आउट मार गए। दर्शकों से बताना चाहूंगा यह खिलाड़ी 8 साल से सेवाएं दे रहा है मुगल सराय रेल में, यह खिलाड़ी कार्यरत है मुगल सराय रेल में कार्यरत है यह खिलाड़ी, 4-3 का स्कोर। मौका बना है फिर एक बार और इस बार डिफेंडर की गलती भारी पड़ सकती है। दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला, टीम कप्तान ध्यान दे जहानागंज वर्सेस ककड़ेटा, इस मैच के तुरंत बाद आपकी टफ होकर तैयार रहे। टीम कप्तान जहानागंज वर्सेस ककड़ेटा, इस मैच के तुरंत बाद टीचर होकर आप तैयार है। गलती हो रही है यहां पे पटना से भारी पड़ सकती है, शुरू में अच्छा खेले थे खिलाड़ी और फिर एक बार मौका बना है यहां पर, फिर मौका पटना के लिए, भैया पाउला साहब मुराई पिछों के होठों से सारा पानी गुलाबी कर गया, छोके होठों से सारा पानी गुलाबी कर गया, वो नदी तक की मछलियों को शराबी कर गया। बोल दिया जाओ 3-6 का स्कोर और ये चीन की दीवार बन गए। अताउल्ला साहब ककराटा ऑफिसर धर्म साहब से मिलने भाई जाने, ऑफिसर मैचों में सिर्फ अलाउंसमेंट नहीं होता, इसका ध्यान रखिए आप, किसी को नॉलेज नहीं है मैं अपनी बात बता रहा हूँ, बीच में अलाउंस भी नहीं होता है, जो भी माउथ लगे आप लोग बोल रहे हैं ऐसा नहीं होता है, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। जो टीमें खेल रही है मैं उनके बारे में जानता हूँ कि कितनी अच्छी टीमें हैं, मैचेस को आप लोग देखें। चलते हैं मैच की ओर, टच आउट यहां पर कराया खिलाड़ी ने, महा मुकाबला रोंगटे खड़ा करने वाला मुकाबला आपके बीच में, 6-4 का स्कोर, अब 2 अंक पीछे है पटना, अब मात्र 2 अंक पीछे है पटना बैरल डी के मुकाबले, क्या होगा कहना मुश्किल, मगर लिफ्टर की शानदार लिफ्टिंग यहां पे, मगर डिमांड हो रही है और स्कोर लाइन में हुआ इजाफा 7-4 के लिए, 7-4 का स्कोर, अब 3 अंक पीछे पटना, पहला सेमीफाइनल मुकाबला, सम्मान की लड़ाई, सर्विस अच्छी सर्विस, मौका पटना के लिए और इतनी छोटी गेंद रुक गई थी यहां पर उस तरीके से जैसे डेल के खिलाफ खेले थे खिलाड़ी, खेल नहीं पा रहे हैं, 8-4 होता हुआ, 8-4 के लिए, आप कितना भी अच्छा खेले सेमीफाइनल फाइनल फाइनल ही आप को दर्शक याद रखते हैं,
सफलता के हिसाब से नेपोलियन ने अपने उसी पराक्रम से फतह किया था, मैं आपको बताना चाहूंगा। अतः 4-8 का स्कोर सर्विस पटना की ओर से 5 नंबर के खिलाड़ी विकास राय करते हुए, बहुत ही अच्छी सर्विस। और एक बार से ताली बजा लीजिए जबरदस्त स्मेश खिलाड़ी का, जबरदस्त स्मेश। दो पटका कोई जवाब नहीं पटना के पास, 8-4 का स्कोर। लिफ्टर पे आप ब्लॉक नहीं कर सकते, गलती कर दी ब्लॉकर ने, कोच भी बताते हैं। अटैकर चला है विवेक, मैं आपको बताऊं पटना के विकास को, संत तिवारी को व अभिषेक को भी वो काम करना होगा जो स्पाइकर है। सौरभ को माफ करिए, 4 की सेवा 8 के लिए, उस रंग में नजर नहीं आ रहा है स्पाइकर इस समय। अगर मैं पटना की बात करूं, मौका पैरेडी के लिए उतना ही सुंदर विराट विवेक का टच आउट करा लिया और 8-4 का स्कोर। दोनों एक दूसरे के खिलाफ काफी मैचेस खेले, मैं बताऊं आपको, टीमें जानती हैं दूसरे के कमियों को, एक दूसरे के वीकनेस को जानती है। 8-4 का स्कोर सर्विस इस समय बैरेडी की ओर से, मौका पटना के लिए बना है। और इस खिलाड़ी के क्या कहने हैं, अगर टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ काउंटर खिलाड़ी का आपको पुरस्कार देना है तो आप आंख बंद करके इस खिलाड़ी को दे सकते हैं। मैं एक सच्ची बात बता रहा हूं, काउंटर खिलाड़ी वही होता है वॉलीबॉल में जिसको लिंटर गेट कहीं भी कर दे वो अंकों में तब्दील कर दे, काउंटर खिलाड़ी वही सबसे बेहतरीन होता है। छोटी गेंद, मौका ताड़ा, और इस खिलाड़ी के क्या कहने, छोटे गेंद का खिलाड़ी अब उस रंग में नजर नहीं आया पटना के लिए, जिस परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं 7 नंबर के संत उससे बहुत दूर है, मतलब कि अपने प्रतिष्ठा के साथ न्याय नहीं कर पाया है खिलाड़ी। सर्विस इस समय पटना की ओर से 5 की सेवा 8 के लिए, 5-8 का स्कोर। मौका बेरेडी के लिए, और प्लेस कर दिया, गलती यहां पर भारी पड़ी, चेंज होता हुआ 8-5 का स्कोर। अब 3 अंक पीछे है पटना, बैरेडी ने 3 अंकों की बहुत बड़ी लीड प्राप्त कर ली है। पहले से फाइनल मुकाबले की मैं बात बताऊं आपको, 8-5 का स्कोर, रेफरी की विसिल, मौका है पटना के लिए, शानदार स्पेस, मौका फिर बना है पटना के लिए। और गलती कर भी लेते थे बैक ऑफ पटना के, छोटे कर भी यहां पर 2 नंबर के खिलाड़ी ने, और स्कोर राउंड में हुआ जा था 9 की सेवा 5 के लिए, 9-5 का स्कोर। इस टूर्नामेंट में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि इतने अच्छे से लोग मैचेस देखे हैं, कोई रुकावट नहीं आई है, मैं आपको बताना चाहूंगा। मेरे साथी के ऑर्डर मुजबुल रहमान जी भी इसको देख रहे हैं, और भी मेरे साथी जो भी नेशनल कमेंटेटर भी है, और इस आदमी जी पहली बार आप लोगों से मिलने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ, और मैं तहे दिल से आप लोगों का स्वागत करता हूं। मेरे यहां फेडरेशन के मैचेस होंगे, मैं आप लोगों को बुलाऊंगा वहां पर, मैं आपको बताना चाहता हूं। और एक डिफेंस भी हो पा रहा है, गलती हो गई, एक मिनट। और प्रदर्शन को देखने के बाद मदनी क्लॉथ स्टोर के मिस्टर मास के लिए 100 रुपए का पुरस्कार, मिस्टर मास पूरा स्टोर मैच की ओर, और रेफरी के डिसीजन से अंक मिल गया। अब कठिनाई में पटना की टीम, 10 की सेवा 5 के लिए, एक मरतबा 2 अंकों की लीड थी, वापसी कर सकती है क्योंकि इससे पहले DLW से मुकाबला खेल चुकी है ये टीम, मैं आपको बताना चाहूंगा। और फिर एक बार मौका डाला काउंटर खिलाड़ी को, गेंद कर दी पटना के लिए मौका, मगर पटना को लेना चाहिए था, चेंज करना चाहिए था, मौका बना है पटना के लिए। इस खिलाड़ी के क्या कहने, मन मोहा है इस खिलाड़ी ने अपने परफॉर्मेंस से, आपको बताऊं जीत हार अलग की बात है, खिलाड़ी वही सबसे बड़ा होता है जो हारने के बाद भी दर्शकों के दिल में छाया रहता है, मैं आपको बताना चाहूंगा। सर्विस पटना की ओर से हो रही है, 5-10 का स्कोर, दोनों ही टीमें बराबर की है, मैं आपको बताना चाहूंगा। मौका,
और थोड़ी सी गलती वॉकिंग में फिर एक बार चेंज होता हुआ 10-5 का स्कोर, 10-5 के लिए। टूर्नामेंट के आयोजक मंडल का मैं धन्यवाद दूंगा, जो भी डॉक्टर शुभम सिंह और भी जो वरिष्ठ लोग हैं, डॉक्टर लल्लन खान जी, क्योंकि मैं आपको बताऊं शेरपुर में करोड़ों का टूर्नामेंट हुआ था, इससे अच्छा मुकाबला मैंने वहां पे नहीं देखा, जो कि एबीपी न्यूज पे लाइव वो मुकाबला चल रहा था। चिरैया कोर्ट में बैटिंग मुकाबला इसे मैच के बीच में कैच आउट कराया लंबी रन से के लिए, खिलाड़ी जीत रहे, इसको ताली बनती है, मैं आपको बताना चाहूंगा खिलाड़ियों को तालियां बनती है दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों का तरह प्रदर्शन। 11-5 का स्कोर, क्योंकि यहाँ पे आप सारे सारी कुछ टूर्नामेंट आपने सजा दिया है, वाकई में जितना बेहतरीन टूर्नामेंट उतना ही बेहतरीन पैनल बनाने वाले साथी का मैं इस्तकबाल कर रहा हूँ, क्योंकि एक एक करके मैच जो हमारे सामने आया वाकई में दांत तले उंगली दबाने वाली बात रही है। इस टूर्नामेंट में पूर्व दबारे से आए तमाम दुनिया वाली के सहदारियों को सलाम कर रहा प्रो वाला माजमी बादल, जहानागंज आजमगढ़ इस टूर्नामेंट में मुतरक जिलैयागंज जुड़े हुए हैं, और मैं देख रहा हूँ मेरे दोस्त कामरान डॉक्टर कामरान साहब भी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर लल्लन खान का टूर्नामेंट बाल को रिवान से दिया, फिर मैं देख रहा हूँ कि दीशान वीका मैं संत जी से गुजारिश कर रहा हूँ, सुशील भाई सुशील तिवारी आ गया, फिर हमारे साथी कमांडर तरफ एक बादल साहब आइए, एक बार फिर मैं लिए चलता हूं खेल के मैदान में, जहां सेमीफाइनल का ये पहला मुकाबला पटना वर्सेज बैरेडी के बीच चलता हुआ, 12-5 का स्कोर, 5-12 का स्कोर, सर्विस पटना की तरफ से अच्छी सर्विस, सर्विस को संभाला, काउंटर को उछाली गई गेंद, हल्का सा ड्रॉप से चुराई भरा ड्रॉप किया, सर्विस चेंज कराने में कामयाब, 12-5 का स्कोर, सर्विस होगी बैरेडी की तरफ से, क्या शानदार मुकाबला चलता हुआ, दर्शकों की तादाद अभी भी लमसम 11,500 के आसपास दर्शक इस टूर्नामेंट में जुड़े हुए, और इशारा रेफरी महोदय का आना, बाल सर्विस का मौका मिला है पटना को, 5-12 का स्कोर है, सर्विस के लिए तैयार, सर्विस, और ये अंदर ने ट्राई कर बैठे विकास, और सर्विस दे दिया है बैरेडी को, सर्विस होगी बैरेडी की तरफ से, सर्विस के लिए तैयार, एक नंबर के खिलाड़ी, सर्विस बैरेडी की तरफ से अच्छी सर्विस, सर्विस को संभाला भाई, काउंटर पर चाली गई ये दरवाजे दबोचा, जहां से निकलना चाहते थे एक पॉइंट, और बैरेडी के खाते में जुड़ता हुआ, 13-5 का स्कोर, 5 के स्कोर पे बिल्कुल बांध के रखा है पटना को बैरेडी ने, सर्विस के लिए तैयार, अच्छी सर्विस, सर्विस को संभाला एक बार फिर, हेड डाक का इस्तेमाल, जबरदस्त ब्लॉक, ज्वाइंट ब्लॉक, वही दबोचा और एक पॉइंट लिया है बैरेडी का, बढ़ता हुआ स्कोर 14-5 का स्कोर, सर्विस के लिए तैयार, सेमीफाइनल का ये पहला मुकाबला चलता हुआ, अच्छी सर्विस, इधर काउंटर से उठा ली गई गेंद, ये है विवेक, ये है विवेक, सर्विस चेंज कराने में कामयाब, 5-14 का स्कोर, अगर इस मैच में बने रहना है तो संत तिवारी को कुछ करना होगा, सर्विस के लिए तैयार संत तिवारी, संत तिवारी की सर्विस गेंद को संभाला एक बार फिर, पड्डा का इस्तेमाल, हल्का सा ड्रॉप से चुराई भरा ड्रॉप, जहरीला ड्रॉप कहा जाएगा, सर्विस चेंज, 14-5 का स्कोर, सर्विस के लिए तैयार, एक नंबर के खिलाड़ी बैरेडी, अच्छी सर्विस, सर्विस को संभाला, काउंटर पर उछाली गई गेंद, और ये है विवेक, क्या शानदार प्रहार किया है, चकमा दिया था ब्लॉकर को, और सर्विस चेंज कराने में कामयाब है, 5-14 का स्कोर है, शांति हड्डी हॉस्पिटल के डॉक्टर शुभम सिंह, यासीन मेमोरियल किले के डॉक्टर लल्लन खान साहब के चेहरे पे मुस्कान नजर आती हुई, एक बार फिर अच्छी सर्विस में एक काउंटर पे छाली गई गेंद, सुंदर हिंद दिया है, ये है मिस्टर वास,
ये थे मिस्टर मॉल सर्विस चेंज कराने में कामयाब, सर्विस के लिए तैयार, सर्विस होगी बाय रेडी की तरफ से। नई काउंटर पे उछाली गई गेंद, हल्का हिंदी दिया, गेंद को संभाल लिया है और काउंटर पे उछाला और बॉल आउट का इशारा, एक पॉइंट और बायरेडी के खाते में जुड़ता हुआ। 15-5 का स्कोर, 10 अंकों का फासला, सेमी फाइनल का ये पहला मुकाबला चलता हुआ। इस मैच के तुरंत बाद ककराटा वर्सेस जहानागंज के बाद बीच दूसरा सेमी फाइनल और शशिकांत आतिशबाज मुस्कुराते हुए स्वीकार कर रहे हैं कि बहुत अच्छा ये सेमीफाइनल का मुकाबला चलता हुआ, सर्विस के लिए तैयार। कुछ हड़ों के लिए खेल रुका हुआ। फैजान डेंटल क्लिनिक के डॉक्टर कामरान साहब का भी मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। सर्विस अच्छी, सर्विस सर्विस को संभाला, काउंटर पे उछाली गई गेंद और लंबा आउट। आउट ऐसा मारो कि रेफरी को कोई दिक्कत न हो आउट देने में और इस तरह से कामयाबी हाथ लगे। एक पॉइंट और पटना के खाते में जुड़ता हुआ। देर के बाद 6-15 का स्कोर, सर्विस के लिए तैयार। अच्छी सर्विस, सुंदर डिफेंस, सिकंदराज का इस्तेमाल, लंदन ने ट्राई कर बैठे। एक पॉइंट और पटना के खाते में जुड़ता हुआ। 7-15 का स्कोर, अभी भी 8 अंकों का फासला। सर्विस संत तिवारी अंदर ने ट्राई कर बैठे, सर्विस नेट का गोशा लेके हुई, सर्विस का मौका मिला है पहले देखो। सर्विस बायरेडी की तरफ से, अच्छी सर्विस, और एक तरह से 200 रुपये का पुरस्कार महत्तावालम आप्तावालम औसतपुर, 200 रुपये का पुरस्कार मिस्टर माज के लिए और 100 रुपये का पुरस्कार संतोष यादव समस्तीपुर की तरफ से मिस्टर माज के लिए। यहाँ इनामों की झड़ी लगते हुए मिस्टर माज के लिए अच्छी सर्विस। मुजीबुर रहमान साहब, यहाँ पर जो पंजाबी तड़का बजाने वालों को भी कुछ पुरस्कार इनके लिए भी, स्वागत इनका भी हो रहा है सर। हेलो, जो वीडियो बना रहे अपना फलक बंद कर रहे, हमारे कमेटी बहुत इकदाम है, जो वीडियो बना रहे अपना मोबाइल फलक बंद करें भाई, अपना फलक बंद करें, जो भी वीडियो बना रहे बनाए फलक बंद करके बनाए। और अंडर ने ट्राई कर रहे थे, सर्विस का मौका मिला है पायरेटी को। 16-7 का स्कोर। अच्छी सर्विस, सर्विस को संभाला एक बार फिर, सुंदर हिंड लिया था, चकमा दिया था ब्लॉकर को और इस तरह से सर्विस चेंज कराने में कामयाब। 7-16 का स्कोर है। सर्विस के लिए तैयार विकास। 7-16 का स्कोर, सेमी फाइनल का ये पहला मुकाबला। अच्छी सर्विस, सर्विस को संभाला एक बार फिर, काउंटर पे उछाली गई गई, सुंदर हिंड, संत तिवारी ने गेंद को संभाला, हल्का सा क्रॉप बैरेडी के कोर्ट में गेंद दिया है मिस्टर मास और बॉल आउट का इशारा, बॉल आउट का इशारा। एक पॉइंट और पटना के खाते में जुड़ता हुआ। पटना का बढ़ता हुआ स्कोर, 8-8 अंकों का फासला। अच्छी सर्विस, सर्विस को संभाला एक बार फिर, सिकंदराज का इस्तेमाल, चतुराई भरा ड्रॉप, लेकिन संत तिवारी ने गेंद को संभाला, हल्का हैंड कंट्रोल नहीं कर पाए इस गेंद को और सर्विस का मौका मिला है बैरेडी को। क्या शानदार सेमी फाइनल का यह मुकाबला चलता हो। सर्विस के लिए तैयार, सर्विस और हल्का सा जवाब देना चाहते थे संत तिवारी। एक पॉइंट और मिला है, 7-2 बैरेडी के खाते में जुड़ता हुआ। 17-8 का स्कोर।
17-8 का स्कोर। और वही दबोचा जहां से निकलना चाहती थी और साद को प्रवेश मेरिटी के खाते में जुड़ता हुआ 18-8 का स्कोर। दर्शन को का फासला हो चुका है। हल्का सा ड्रॉप और इस तरह से चतुराई हो रहा ड्रॉप एक पॉइंट मिला है। हल्का हुआ स्कोर 19-8 का स्कोर। टाइम आउट लेने पे मजबूर कर दिया है पटना। वीसी नवाजी जाएगी किरामों का यहाँ सिलसिला जारी। वही दबोचा एक पॉइंट मिला है। जनाब आपका बालम औसत खुद जाने से 200 रुपए का पुरस्कार मिस्टर राज के लिए और 100 रुपए का पुरस्कार जनाब संतोष यादव समस्तीपुर की तरफ से। और इस तरह से नजरे आलम साहब मदनी क्लास स्टोर की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार। और इस तरह से ये मुकाबला से भी फाइनल का पहला मुकाबला।